बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को इल्म है, हम लोगों ने क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। उसका लास्ट लेक्चर्स आज आप तक डिलीवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर्स को भी पसंद किया होगा, उनको समझा होगा और आपको पेपर्स करने में या आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, उसके कुछ मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया। देन फिर हम लोगों ने उसकी जो है वो टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, यानी इंसानी आँख। जैसा कि टॉपिक का नाम है इंसानी आँख, तो इसमें हम इंसानी आँख के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने फिगर आ रही हो, जिसमें आपके पास इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई है कि इंसान इमेज कैसे बनते हैं, आपके पास के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास इसका जो है वो रेटिना आ जाता है, आयरस है, लेंस है, ऑब्जेक्ट है, कॉर्निया है, लाइट रेज है और इमेज आपके पास फर्स्ट पोजिशन पर बनती है। इसको वन बाय वन हम चेक करते हैं। ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ कैमरा, इंसानी आँख जो है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। इन प्लेस ऑफ द फिल्म द रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर, रेटिना जो इसको रिकॉर्ड करता था, इट हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, में एक रिफ्रैक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है। द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव रे लेयर एट द बैक ऑफ द आई, कि आँख के पीछे जो है वो आपके पास एक रिफ्रैक्टिव सेंसिटिव लेयर होती है जहाँ पर बनती है। और जो कैमरा होता है, इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस, बट इन द आई द लेंस चेंज फोकल लेंथ, जो कैमरा होता है उसमें आपने फोकल लेंथ को फिक्स किया होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंसानी आँख को अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी सलाहियत दी है कि इंसान जो है अपनी जो आँख है उसकी फोकल लेंथ को तब्दील कर सकता है। लाइट एंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, लाइट जो सबसे पहले आँख के जरिए आँख में दाखिल होती है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया कॉर्निया का। नेक्स्ट, द आयरिस इज कलर्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना, जो आयरस होता है वो आपके पास रंगदार हिस्सा होता है जो ये कंट्रोल करता है कि कितनी मकदार में रोशनी आपकी आँख तक पहुँचती है। इट हैज़ ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड पीपल, इसका जो दरमियानी हिस्सा होता है इसको हम पीपल कहते हैं। द आयरस कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, आयरस जो है उसके साइज कंट्रोल करते हैं। ब्राइट लाइट जब तेज़ रोशनी होती है, आयरस कंट्रैक्ट द साइज ऑफ द पीपल, वाइल इन डिम लाइट पीपल इज अ लार्ज, जो कम रोशनी होती है उसमें पीपल का साइज कम हो जाता है, तेज़ रोशनी में वो बड़ा हो जाता है। द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेट ऑब्जेक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द डिस्टेंस, ये आपके पास जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसमें अपने आप में तब्दीली कर सकता है कम या ज़्यादा होने की सूरत में, डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने की सूरत में इंसानी आँख खुद का खुद ही एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास होता है अकोमोडेशन, जो ह्यूमन आई का जो टॉपिक है वो आपके पास आता है अकोमोडेशन। अब ये अकोमोडेशन क्या है, यानी द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज, यानी एक वाज इमेज बनाने के लिए अगर आँख अपनी फोकल लेंथ में तब्दीली करता है तो वो जो तब्दीली आपके पास होती है वो आपके पास कहलाती है अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन को क्या होता है, ये आपके पास जो है वो सिंपल अगर आप कह रहे हैं अकोमोडेशन, आपके पास जब आप इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आँख की सलाहियत कम होती जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो इमेजेस बनाने की उसमें सलाहियत है वो कम हो गई है। तो हम इसको कैसे दूर करते हैं, हम इसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लासेस इस्तेमाल करके फिर हम उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बोर्ड पूछता है, डिफेक्ट हो गई है यानी जो आपके पास आँखों में यानी नज़र जो आता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें डिफेक्ट ओविजन्स कहते हैं। आपकी डिफेक्ट ओविजन्स क्या है, इसके दो पॉइंट है, नियर साइड लेंस और फार साइड लेंस।
नियर साइडनेस को हम मायोपिया भी कहते हैं और फार साइडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। नियर साइडनेस का मतलब होता है कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है। अगर आपकी आँख चाहे दूर की सांप को या करीब की दोनों में से किसी एक को भी ठीक तरीके से नहीं देख पाती तो आपके पास डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी उसमें देखने में आपकी क्या है प्रॉब्लम है, उसके देखने की सलाहियत में मसला है। इस वजह से जो है आप उसको जो है वो नहीं देख पाते। अब इसके दो हैं, नियर साइडनेस और फार साइडनेस। नियर साइडनेस का मतलब कि आँख ऐसा नुक्स है जिसकी वजह से आप जो है साफ यानी क्रीम की चीज़ों को साफ दे सकते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनको साफ नहीं देख सकते, तो ये आपके पास जो है वो नियर साइडनेस कहलाता है। दोबारा से नियर साइडनेस क्या है कि आप करीब की चीज़ों को तो देख सकें लेकिन दूर की चीज़ों को साफ ना देख सकें। जैसे आपके सामने आ रही है, फिगर आ रही है, आपके पास डिस्टेंस है, डेप्थ है, फार पॉइंट ऑफ द नियर साइडनेस है, रिलैक्स लेंस है, यानी इमेज आपके पास पीछे बनती है। अब जो है इसको करेक्ट कैसे करते हैं? अब इसको करेक्ट करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस में भी हम जो लेंस को इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग है जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल ठीक हो सके। नेक्स्ट आपके पास है फार साइडनेस। अब फार साइडनेस क्या है? फार साइडनेस यानी ये दूर चीज़ों को साफ देख सकता है लेकिन करीब चीज़ों को साफ नहीं देख सकता, वो आपके पास फार साइडनेस कहलाता है। अब फार साइडनेस में इमेज है वो रेटिना से पीछे धुंधली इमेज में आती है, और इसको दूर करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस की सूरत में जो सारे के सारे रेज हैं वो सिमट कर आपके पास एक पॉइंट पर आ जाती है। ये जो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई को डिस्कस किया, फिर हमने उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मज़ीद नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए भी अल्लाह हाफ़िज़।